कैसे लगाएं कि कौन मेरा बच्चा है? जब तक हम एक आइसोलेटेड रिलेशनशिप में नहीं होंगे, आइडेंटिफाई करना मुश्किल है. हुज द सन ऑफ हूम, हुज द डॉटर ऑफ हूम, बिकॉज इफ यू आर हैविंग मल्टीपल पार्टनर्स, इट्स वेरी डिफिकल्ट. एंड व्हाई वन वांटेड टू फाइंड आउट? इसलिए भी नहीं कि उसे कोई अपने बच्चे से बहुत मोहब्बत है. अगेन इंटरेस्टिंग ट्विस्ट इज बिकॉज वॉट एवर ही हैज क्रिएटेड इन हिज लाइफ टाइम वो किसको दे? सो द आधार वॉज प्रॉपर्टी. अल्टीमेटली आइडेंटिफाइड सक्सेसर नहीं है तो सब वेस्ट है ना. इस वजह से विवाह की उत्पत्ति हुई. और विवाह के भी बड़े इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है अगर आप नोटिस करेंगे. पहले विवाह को जो सारे संसार में किसी के भी साथ आप विवाह कर सकते हैं उसको लिमिट करके ट्राइब तक लाया गया. इस ट्राइब में आप किसी के भी साथ रह सकते हैं, मतलब यू नीड नॉट टू लिमिट योरसेल्फ टू वन पर्सन. इस ट्राइब में जो पसंद आ रहा है, आज इसके साथ, कल उसके साथ, परसों उसके साथ, आप दिस होल ट्राइब, बट डोंट क्रॉस द ट्राइब, देन इट इज रॉन्ग. ठीक है? फिर उसको लिमिट किया गया कि ऑल राइट ये ट्राइब तो बहुत बड़ा हो गया है, तो कंस्ट्रिक्टेड टू सम लिमिटेड पीपल. तो वो एक कुटुंब तक सीमित हो गया. बस इसके बियॉन्ड आप इंटरमिंगल नहीं हो सकते. ग्रेजुअली पैटर्निटी फाइंड आउट करने के लिए फिर भी डिफिकल्टी होती थी. मैटर्निटी तो फाइंड आउट हो जाती थी, जिस भी लेडी का वो बच्चा है उसे मालूम है ये मेरा बच्चा है और ये मेरी माँ है, पर पिता कौन है नहीं पता चलता था. उसको लाने के लिए फिर सिंगल मैन सिंगल वुमेन कंसेप्ट लाया गया मैरिज का. ठीक है? कि भाई फाइडेलिटी रिक्वायर्स दैट यू शुड लिमिट योरसेल्फ टू वन मैन एंड वन वुमन. तो पैटर्निटी आइडेंटिफाइड हो गई. यहां तक पहुंचने के लिए कई हजार साल लग गए मैरिज के इस कंसेप्ट को लाने के लिए, फाइडेलिटी के कंसेप्ट को लाने के लिए, दैट यू शुड बी फाइडल टू वन मैन और वन वुमन. कल सुप्रीम कोर्ट ने हजारों साल के कंसेप्ट को पलट दिया. मैंने कोई जरूरी नहीं. इनफाइडेलिटी इज नो मोर अ क्राइम, एडल्ट्री इज नो मोर अ क्राइम. हजारों साल के इवोल्यूशन को कल रिवर्स गियर में डाल दिया. तो शायद अभी फिर जो रिवर्स इवोल्यूशन होगा तो हम फिर वो ट्राइब तक शायद पहुंच जाएं या उसके भी आगे. हाँ, अभी तो मैंने वो जजमेंट पूरा पढ़ा नहीं है, पता करूंगा शायद उसमें भी कुछ लॉजिक हो. जैसे कस्टम्स में कुछ कुछ लॉजिक निकल रहा है, शायद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लॉजिक समझा होगा. वरना इनफाइडेलिटी को क्राइम नहीं कर देना पहले नजर में तो जमता नहीं है. तो फाइंड आउट करेंगे, जजमेंट पढ़ेंगे, अगली बार आपसे मिलेंगे तो उस पर भी चर्चा करेंगे. मैरिज के साथ कुछ इंपॉर्टेंट रिचुअल्स वक्त के साथ जुड़ गए. और मिताक्षर और दायभाग स्कूल के थोड़े बहुत चेंजेस के बावजूद नॉर्मली मैरिजेस में कुछ रिचुअल्स कंपलसरी होते हैं, चाहे वो साउथ की मैरिज हो. रिचुअल में भी डिफरेंट, बट सम रिचुअल मस्ट बी देयर, चाहे वो नॉर्थ की हो, ईस्ट वेस्ट कहीं की भी हो. रिचुअल्स कुछ ना कुछ जरूरी है, पर जो कॉमन रिचुअल्स सामने आते हैं उसमें पहला स्टेप होता है संप्रदान. संप्रदान मतलब जब बारात आती है तो दरवाजे पे जो स्वागत किया जाता है, तो उस जमाने में शायद लोग
पैदल आते थे, बैलगाड़ियों से आते थे, तो धूल लग जाती थी, तो उनके चरणों पर जल डाला जाता था। चरण साफ करने के बाद आप अंदर आइए, उस एक्टिविटी को संप्रदान कहते थे। संप्रदान के बाद जब बारात अंदर आती थी, उसके बाद जो रिचुअल होता था वो दो रिचुअल्स थे। उनमें से एक रिचुअल बड़ा उल्टा हो गया वक्त के साथ। एक रिचुअल था कन्यादान, जहां पर लड़की के विवाह में लड़की को लड़के के हाथ पर सौंपने को कन्यादान कहा जाता था। और हमारे स्क्रिप्चर्स के अनुसार ये बहुत बड़ा दान माना गया है। गौदान, धन दान, धान्य दान, बहुत से तरह के दान हैं, लेकिन कन्यादान इज कंसिडर्ड टू बी ऑन टॉप ऑफ इट। कई ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं कि लोगों ने गर्ल्स अडॉप्ट की सिर्फ अपने जीवन में कन्यादान करने के लिए, पुण्य प्राप्त करने के लिए। तो हमारे स्क्रिप्चर्स में सिर्फ पुत्र दत्तक नहीं लिया जाता था, कन्याएं भी दत्तक ली जाती थी। तीसरा चरण कन्यादान के तुरंत बाद होता था वर दक्षिणा, जिसको आज दहेज कहा जाने लगा। वर दक्षिणा अर्थात जिसको हमने कन्यादान में दी, उस वर को हम कुछ दक्षिणा भी दे रहे हैं। जैसे पंडित जी आपके यहां आकर पूजा करते हैं तो आप उन्हें दक्षिणा देते हैं, भोजन भी कराते हैं और दक्षिणा भी देते हैं, होता है ना? इसी प्रकार जो वर हमारी कन्या को दान में स्वीकार करने आया है, इस मोमेंट के बाद पूरे जीवन उसको आजीविका प्रदान करने वाला है, उसको हम कुछ दक्षिणा देना चाहते हैं। तो चाहे वो गोल्ड हो या गाय हो या कोई घोड़ा हो, जो उस जमाने के रिक्वायरमेंट्स थे वो वर दक्षिणा में दिए जाते थे। वर दक्षिणा का एक और कंसेप्ट शास्त्रों में मिलता है कि जो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी अगर चार बच्चे हैं, उनमें से दो लड़के और दो लड़कियां हैं, तो लड़कों को तो सक्सेशन में मिल जाएगी, ये लड़की विवाह के बाद चूंकि इस परिवार से चली जाएगी, तो इसके हिस्से की जो प्रॉपर्टी है, या तो वो प्रॉपर्टी या उसके बराबर की कीमत वर दक्षिणा में दी जाती थी। इट वॉज अ वेरी वेरी लॉजिकल इक्विटी बेस्ड प्रिंसिपल कि लड़की अपने हिस्से की प्रॉपर्टी से डिप्राइव क्यों हो, उसके हिस्से की प्रॉपर्टी उसको विवाह के समय दे दी। मगर वो विकृत क्यों हो गया? क्योंकि वर दक्षिणा में वर चीजों को डिमांड करने लगे, जबकि आप उन स्क्रिप्चर्स को पढ़ेंगे तो डिमांड का कोई प्रश्न ही नहीं है। आज भी किसी अच्छे पंडित जी को आप पूजा करने के लिए बुलाएंगे, वो आपसे कोई मोलभाव नहीं करता। दक्षिणा का कोई मोलभाव होता है क्या? क्या बोलता है? जो श्रद्धा हो दे दीजिएगा। दक्षिणा तो श्रद्धा से दी जाती है ना, नाम ही सजेस्ट कर रहा वर दक्षिणा। वर दक्षिणा को दहेज बना दिया हमारे समाज की विकृतियों ने, परवर्जन ने, जब हम डिमांड करने लगे, टॉर्चर करने लगे, ऑप्रेस एक्सप्लॉइट करने लगे गर्ल्स को, इतना लेके आओ, ये करो, वो करो, तो वो विकृत हो गया, और विकृत हो गया तो उस पर स्टॉप लगाना पड़ा कानून को। वर दक्षिणा के बाद जो एक कॉमन फीचर संस्कारों में विवाह का मिलता है वो होता था सप्त वचन। विवाह में सात वचन लड़की लड़के को देती है और लड़का लड़की को देता है कि आगे के जीवन में हम ये वचन निभाएंगे। और उन वचनों में बड़े इंटरेस्टिंग वचन है,
कैसे वचन है कि लड़की जब वचन दे रही है तो वो कहती है कि मैं सारी जिंदगी आज के बाद आपका साथ निभाऊंगी। लड़का वचन दे रहा है तो वो कहता है कि आज के बाद तुम्हारी सम्मान में कोई कमी मैं आने नहीं दूंगा। इस तरह के बड़े ही आइडियलिस्टिक वचन हैं जो आपको बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप इन स्क्रिप्चर्स का अध्ययन करेंगे। तो कोई वचन ऐसे नहीं थे कि लड़की बोल रही है देखो भाई फिल्म और मॉल तो ले जाना पड़ेगा, और लड़का बोल रहा है बाकी तो सब ठीक है क्रेडिट कार्ड तो मैं नहीं दूंगा। ऐसे वचन नहीं थे। शायद अभी कोई भाष्य टीका लिखने वाला स्कॉलर आए तो वो ये सब इंक्लूड कर दे कि भाई अभी वचन चेंज हो गया वक्त के साथ, अभी ये सब जोड़ो क्योंकि अब फाइडेलिटी का तो प्रश्न ही नहीं है, क्या वचन दे के फायदा है, लॉ में ही नहीं बचा। एडल्ट्री हैज बीन अबॉलिश्ड। तो ये सप्त वचन होते थे। फिर होता था विवाह होम। विवाह होम मतलब अग्नि का प्रज्वलन, और अग्नि को साक्षी मानकर ये सप्त वचन, और उसके बाद सप्तपदी मतलब सात फेरे। ये विवाह संस्कार के एसेंशियल्स थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशंस के साथ आपको सारे स्कूल्स में मिलते हैं। कुछ ट्राइब्स में डिफरेंट है, कुछ ट्राइब्स में सिर्फ मांग भर देने से विवाह हो सकता है, कुछ ट्राइब्स में माला एक्सचेंज करने से विवाह हो सकता है, कुछ ट्राइब्स में मंगलसूत्र पहनाने से विवाह हो सकता है। अलग अलग थोड़े मोड़े मॉडिफिकेशंस हैं, पर रिचुअल कोई ना कोई रिचुअल विवाह संस्कार का आपको मिलेगा। ठीक है, विवाह के साथ जो एक बहुत इसेंशियल चीज मॉडर्न डेज में जुड़ गई है वो है डिवोर्स। तब हिंदू स्क्रिप्चर्स में ये कंसेप्ट एलियन था, कोई जानता है, डिवोर्स वॉज अननोन टू हिंदूज, क्योंकि हमारे यहां विवाह एक संस्कार है, सैक्रमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ब्रोकन, टर्मिनेटेड, isn't it? How can you undo a संस्कार? Because we categorized विवाह as a sacrament, sacrament को undo नहीं कर सकते आप। किसी भी संस्कार को undo कैसे करेंगे? तो इस वजह से हमारे यहां concept विवाह होने के बाद जन्म जन्म का साथ, ये नहीं पता चलता था कि पहले से भी चला आ रहा है कि अभी से शुरू हो रहा है, पर जन्म जन्म का साथ वॉज द आइडिया। इट्स अ डिफरेंट स्टोरी दैट इन एवरी जन्म द हस्बैंड फील्स प्रॉब्ली दिस इज द लास्ट जन्म, आई मे गेट इट, एंड द वाइफ फील्स अरे बेटा अभी तो पहला है, 7 rounds का गेम बाकी है, कहां बच के जाओगे। But then, this was the concept, though under the codified law, under section 13, Hindu Marriage Act, divorce was introduced. Under section 10, judicial separation was introduced. But in the pre-codified principles of Hindu law, there was no concept of divorce. In fact, विवाह के कुछ प्रोहिबिशंस जरूर थे कि कुछ जगहों पर विवाह प्रोहिबिटेड था, जहां आप चाहकर भी विवाह नहीं कर सकते, और वो 3 major areas थे जहां पर विवाह संभव नहीं था।